اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अल्लाहआलम बिमाुना वनफ़ा न बिमा तना सामिन कराम आज हमारे सामने सुर नसर है सबसे पहले इसका तर्जुमा देखिए फिर इसकी मुख्तसरा तशरी देखेंगे इसका तर्जुमा ये इजा जा और जब आ जाए अल्लाह की मदद और फ़तह इज़ा जा आ और जब आ जाए नसरों वाह ही अल्लाह की मदद वल्फत और फतह वराय नासा तो आप देखेंगे लोगों को यदलू नफ़ी दीन अल अफवाजा कि वो अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल होंगे कि वो लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल होंगे फसब बेह तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है बेहमदी रबिका कि अपने परवरदिगार की हम दो सना बयान कीजिए अपने परवरदिगार की हम दो सना बयान कीजिए वफिर हो और उससे अपने गुनाहों की मफरत तलब कीजिए इन न हो का बेशक वो गुनाह तोबा कबूल करने वाला है इन न हो का बेशक वो तोबा कबूल करने वाला है इस सूरत का नज़ूल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूरत का नज़ूल कब हुआ इस सूरत का नज़ूल ये मदनी ज़िंदगी में हुआ ये सूरत मदनी सूरत कहलाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो दौर थे एक दौर मक्की ज़िंदगी का दौर था और एक दौर मदनी ज़िंदगी का दौर था तो ये सूरत मदनी सूरत कहलाती है और मदीने मदीने मनवर में नाजिल हुई और ये सबसे आखिरी सूरत है इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सूरत नहीं नाजिल हुई हाँ कुछ आयतें नाजिल हुई जैसे सूरह मादा की आयतें अल्योम अकमल लकुम दीन अकुम व आत्मम तोम नति और सूरह निसा की आयत कलाला है कुछ आयतें नाजिल हुई लेकिन मुकम्मल सूरत ये सबसे आखिरी सूरत है और इस सूरत के नज़ूल के तीन महीने कुछ दिन बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो ये सूरत आखिरी सूरत है और इस सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई अब्दुल्ल इब्न उमर से मरवी है कि ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मीना के मुक़ाम में अम तशरीक के वस्त में नाजिल हुई जब आप ऊटनी पर सवार थे तो उस वक्त तो हज के दौरान तो आप ने ये जब सूरत नाजिल हुई तो आप ने लोगों को खुतबा दिया जो खुतबा हजतुलविदा के नाम से मशहूर है यानी हजरत उलिदा ख़ुतबा जो बहुत ही मशहूर है तो उस वक्त आप ने लोगों को ख़ुतबा दिया आप उठनी पे सवार थे और आप ने उठनी पर सवार होकर लोगों को ख़ुतबा दिया खुतबे में आप ने ये फरमाया लोगों तुम जानते हो ये कौन सी जगह है तो लोगों ने जवाब दिया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है तो आप ने फ़रमाया ये हरम की जगह है ये हरम मुबारक है फिर आप ने पूछा है लोगों तुम जानते हो ये कौन सा महीना है तो लोगों ने कहा कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है तो आप उसने फरमाया कि ये हरम की यह हरम का महीना है ये ये हज का महीना ये हरम का महीना है और तुम याद रखो कि मैं बहुत ही जल्दी अब हम और तुम दोबारा नहीं मिलेंगे हमारा और तुम्हारा एक जगह इजमा नहीं होगा हम तुम हम तुमसे अब दोबारा आइंदा इस साल नहीं मिल पाएंगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जान और तुम्हारी इज़्ज़तें ऐसे ही हराम है जैसे कि आज के दिन हराम है और फिर ने वो बात कही फल युबल गायब जो करीब वाला है वो वा दूर को पहुंचा दे और जो हाजिर है वो ग़ायब को पहुंचा दे ये खुतबा ने दिया और जब ने ये खुतबा दिया तो तो बहुत से सब कराम के आपको में आंसू आ गए क्योंकि ये नबी अकरम अक्रमल्लीसम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा था इतने बड़े मजमे में जो हज का मजमा था उसमें नबी अकरम अक्रमल्लीसम की ज़िंदगी का आखिरी मजमा आखिरी खुतबा था तो आपसम ने यह खुतबा दिया तो इसके तीन महीने और कुछ दिन बाद नबी अक्रमल्लसम का इंतकाल हो गया था अच्छा इस सूरत में इस ये बताया गया है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फ और फतह आ जाए तो नबी अकरम अक्रमल्लम की जो शुरू की ज़िंदगी थी उस जब आप आपसलम ने इस्लाम की दावत शुरू की थी तो उस वक्त जो इस्लाम की दावत कबूल करता था तो वो बहुत ही परेशान हाल रहता था बहुत ही खस्ता हाल रहता था और जब वो इस्लाम कबूल करता था तो और ही खस्ता हाल हो जाता था आ, असल में इस्लाम जो कबूल करने वाले लोग थे वो तो शुरू में ही गरीब थे और अगर कोई मालदार भी इस्लाम कबूल करता था तो उससे उसका माल जब्त कर लिया जाता था शुरू की ज़िंदगी के ये हाल थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा किया था कि हम आपके दीन को गालिब करेंगे अल्लाह ताला ने तेईस साल के अरसे में दीन को गालिब कर दिया और जब ये सूरत नाजुल हुई तो उस वक्त दीन सारे अरब में फैल चुका था शिरक और बुतप्रस्ती अरब से मिटा दी गई थी और इस्लाम दीन और अल्लाह की इबादत पूरे अरब में फैल चुकी थी सना नौ हिजरी में जो जो साल आमुल आमफूत कहलाता है उस साल वाक़ ऐसा था कि वफद दर वफद लोग आते थे गिरोह दर लोग आते थे बड़े बड़े कबीले के लोग आते थे सरदार आते थे और नबी अकरम अक्रमल्लम से दीन के मुतालिक मसाइल पूछते थे कि अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हमारी निजात किस किस चीज़ में अल्लाह के रसूल हम पर क्या क्या ज़िम्मेदारी है हम पर क्या क्या फ़र्ज है तो उस वक्त सना नौ हिजरी के बाद आखिर में ये सूरत नाजिल हुई और सनाव हिजरी को आमुल अमुलवफूत कहा जाता है आमुल अमुलफूत का मतलब ये कि जब वफद आने लगे तो एक शुरू का दौर था जब मुसलमान एक दो मुसलमान होता था जो मुसलमान होता था वो छुप कर मुसलमान होता था और छुप कर, कर हिजरत करता था और छुप कर नमाज़ पढ़ता था लेकिन अल्लाह का वादा था अल्लाह ताला ने इतने थोड़े अरसे में अपने वादे को पूरा किया और इस्लाम अरब की सरजमीन पर फैल गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जब हिजरत की तो आप आपने छुप कर हिजरत की थी और आप स्था स्था ने गारे सौर में पनह ली थी आपारे सौर में तीन दिन तक ठहरे थे और उसके बाद जब आप सब मदीने में आए तो मदीने में भी आपसम को अमन नहीं था चैन नहीं था बल्कि मक्के वालों मक्के वाले बार बार आप सब पर हमला करते रहते थे पहले गज़वा बदर पेश आया फिर गजवा अहद पेश आया फिर गजवा खंदक पेश आया खदक का वाक्य है कि नबी अकरम अक्रमल्लम खंदक खोद रहे थे तो किसी साहबी ने आप ससम से, से भूख की शिकायत की और अपना कुर्ता उठाया और कुर्ते पे एक पत्थर बंधा हुआ था तो आप ससम ने अपना कुर्ता उठाया और आप ससम के पेट पर दो पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से कहाँ मुसलमानों की वो कसम पुरसी कि उनके पास खाने को नहीं था और उनके पास रहने को जगह नहीं थी बदन ढाँकने को कपड़ा नहीं था और कहाँ अल्लाह ताली की ये फताह कि वो बादशाह बन गए थे और सारे अरब में दीन फैल गया था ये सिर्फ़ अल्लाह की ताकत और कुदरत थी वरना इतने कम अरसे में अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो कोई भी अपन कोई भी अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम था और इसी इनाम को यहाँ पर जिक्र किया गया है दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई कि, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हर इंसान को हर चीज़ को एक मकसद के तहत पैदा किया है जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो उसको अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह से मुलाकात करनी है तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद ये था कि लोगों को तौहीद की तालीम दे, दे दें और लोगों को दीन की तालीम दे, दे दें लोगों को अल्लाह से जोड़ दें और शीख और परस्ती और बुराइयों से और अखलाकी बुराइयों से मोड़ कर लोगों को अखलाक की बुलंदियों बुलंदियों पर पहुँचा दें और उनको हकीकी बात बता दें तो आप सस्म की जिंदगी का ये मकसद पूरा हुआ और जब आप की ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ तो ये सूरत नाजिल हुई और इस सूरत में अल्लाह आप आपसम को बता दिया गया कि जब आप ये कहा गया कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और अल्लाह की फतह आ जाए तो उस वक्त आप देखेंगे कि लोग फ़ौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं जैसे कि सब ने मुशाह किया कि सना नौ हिजरी में नबी अक्रम पर वफूद आते थे गिरोह दर गिरोह आते थे एक दो मुसलमान नहीं होता था बल्कि वफूद आते थे अच्छा ये बात है कि इस्लाम किसी भी चीज की तरक्की के लिए उसके लिए इंसान को थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है और कुर्बानी देना पड़ती है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का बीज बोया था मक्के की सरजमीन पर तो उस वक्त तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी हज़रत समैया रजी अल्लाह तन की शहादत थी हजरत हमज़ा जो नबी वसल्लम के चाचा थे और उनकी शहादत थी और बहुत से सबक्राम की शहादत थी तो इस्लाम का पौधा उनकी शहादतों से सींचा गया है और अब अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहार दे दी और इस्लाम का पौधा शादाब होकर मुल्क अरब में फैल गया और दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ा जब आपका हजतुलवि का मौका था तो उस वक्त हज में एक लाख चौबीस हज़ार मौजूद थे ये वही तादाद है जो अम्बिया कराम की तादाद है अल्लाह ताला ने वतान फ़वता दुनिया में एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर भेजे और साहब अक्राम भी उस वक्त जिस वक्त आप आपने हजतल के मौके पर आखिरी खुतबा दिया था उस वक्त भी यही तादाद रिवायतों में आती है तो मतलब यह है कि वो सारे के सारे मुबल बने थे उनको अल्लाह ताला ने मुबल बना दिया था कि और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात उसी खुतबे में कही थी फ़ल युबल शाहिदलब जो हाज़िर हो गायब को पहुँचा दे कि दीन की बात दूसरों तक पहुँचा दो और अल्लाह उन्होंने क़ुरबानियाँ दी और उन्होंने दीन पहुँचाया तो आज हम तक ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर गाय की परेशती सोचती है गाय की पूजा होती है वहाँ पर हमको अल्लाह का कलाम हमारे हाथ में है और हम उसको पढ़ रहे हैं और दूसरों तक पहुँचा रहे हैं तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है और अल्लाह ताली की मदद का नतीजा है अब अच्छा यहाँ पे ये बताया गया है फ फसब्बी बिहमदी रबिका कि आप अपने रब की तारीफ बयान कीजिए बसअी भी बेहमदी भी रबिका आप अपने रब की तारीफ़ बयान कीजिए तो यहाँ पर एक दर्स दिया जा रहा है वो दर्स ये कि चाहे कोई इंसान कितनी भी क़ुरबानियाँ दे बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे माल की दे जान की दे या कितनी भी इबादत में कोशिश करे या कितनी बड़ी से बड़ी इबादत करे लेकिन वो इबादत और उसकी कुर्बानी वो अल्लाह के फ़लोक करम ही से रंग लाती है अगर अल्लाह का फजल करम शामिल हाल ना हो तो वो रंग नहीं ला सकती है और उसको अपनी कुर्बानी ियों पर और अपनी इबादत पर अपनी कोशिशों पर गुरू तकबर नहीं करना चाहिए उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपनी मेरी कुर्बानी की वजह से ये तरक्की हुई है बल्कि उसको यह कहना चाहिए कि अल्लाह की मदद की वजह से तरक्की हुई है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया जा रहा है जिनसे ज्यादा कोई कुर्बानी देने वाला नहीं है जिनसे ज़्यादा कोई इबादत करने वाला नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि पैरों में वरम आ जाता था तो उनसे ज्यादा कोई इबादत करने वाला नहीं जब उनको यह हुक्म दिया जा रहा है कि आप अल्लाह की तारीफ बयान कीजिए इस कीजिए क्यों क्योंकि ये फ़तह का मंजर आप अल्लाह ने आपको दिखाया नुसरत का मंजर आपको दिखाया आ, और अल्लाह ताला ने आपके मिशन को पूरा किया इसमें अल्लाह की मदद शामिल है हाल है जब नबी को यह हुक्म दिया जा रहा है तो नबी के ज़रिए से तमाम उम्मत मुसलिमा के हर फर्द को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करो वो कामयाबी अल्लाह की दी हुई होती है कभी भी तुम्हें अपनी कोशिशों पर अपनी मेहनत पर गुरूर नहीं करना चाहिए ये हासिल दर्स ये सबक हमको मिल रहा है अच्छा यहाँ पर आप सबसे कहा गया है कि सब भी तारीफ बयान की थी बेहमदी हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना और सब भी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक और बेअब है तो अल्लाह की तारीफ़ व तस्वीर बयान करें तो नबी वसल्लम का मामूल ये था जब यह आयत नाजिल हो गई तो आप हज़रत हज़त उम्मबीबर रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आप की बीवी हैं वो फरमाती हैं कि मैंने अक्सर अवत्यात नबी को कसरत से उठते बैठते सुबह अल्लाई बहमदी पढ़ते हुए देखा तो मैंने पूछा है अल्लाह के रसूल ये क्या कलमा है जो आप इसको आप पढ़ते रहते हैं तो आप फ़रमाया इसी बात का तो हमें हुक्म दिया गया है और आपलम ने यही सूरत तिलवत फ़रमाई इसी तरह से आयशा रजी ताला से मरवी है कि आयशा रजी अल्लाह ताली कहती हैं कि नबी अकरम अक्रम का आखिर उम्र में मामूल हो गया था ये सुबह नकल्ला व बिहमदिका अस्तगफिरुका व तूबी इलैक ये कसरत से पढ़ते थे तो मैंने पूछा है अल्लाह के रसूल ये आप क्या पढ़ते हैं तो आपसे ने फ़रमाया कि मुझे एक निशानी दी गई है जब मैं उस निशानी को देखूं तो ये कसरत से पढूं यानी सुबह अल्लाब हमदी सबहान आज़िम तो आप आखिर उम्र में कसरत से पढ़ते थे और आब्दाल्बन अब्बास का भी ये यही कौल है कि जब ये सूरत नबी अक्ररम सलील लाम पर नाजिल हुई तो नबी अक्रम सलील्ह वसम इबादत में ज़्यादा ज़्यादा महव हो गए ज़्यादा इबादत करने लगे और शदीद मुजाह करने लगे और तस्बीहात में ज़्यादा लग गए क्योंकि अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ गया था इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई है ये कुरान की सबसे सबसे आखिरी सूरत है अच्छा इसमें यह बताया गया इन न हो काना तोाबा बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है तो बात यह है कि हम अल्लाह को कैसे पहचानेंगे अल्लाह को पहचानना यह हमारी सबसे अव्वलन जरूरत अव्वल ज़रूरत है सबसे पहले अल्लाह को पहचानना फिर अल्लाह पर ईमान लाना पहले हम अल्लाह को पहचानेंगे तो अल्लाह को हमें पहचानना कैसे है हमें अल्लाह को पहचानना है कुरान की आयतों से अल्लाह जहाँ बजा अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी सिफत बयान की तवाब भी अल्लाह की एक सिफत है तवाब ये तोबा कबूल करने वाला है कभी ऐसा नहीं कि कोई बड़े से बड़ा गुनागार सच्चे दिल से तोबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तोबा को ज़रूर कबूल करेगा अगर आपने तोबा की है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी तोबा कबूल हुई कि नहीं हुई है बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर वादा किया इन न हो का ना तोावा बेशक वो तोबा कबूल करने वाला है अगर आप दिल की सच्चाई और गहराई के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की तोबा मांगते हैं तो आपके दिल में ये शक नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी तोबा कबूल की या ना कबूल की क्योंकि अल्लाह का वादा है और हम अल्लाह को सिर्फ कुरान की आयतों से पहचान सकते हैं और दो चीज़ें हैं एक ये है कि हम अल्लाह को पहचानें कैसे दूसरा दूसरी चीज़ ये कि हम अल्लाह से क़ुरब कैसे हासिल करें हम अल्लाह के करीब कैसे हों दोनों चीज़ों में हमें जरूरत है, है कुरान की तिलावत और कुरान की फहम फहम कुरान से कुरान की, की समझ से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं और कुरान की तिलावत से हम अल्लाह को पहचान सकते हैं फहम कुरान से हम अल्लाह को पहचानेंगे और अल्लाह फहम कुरान से अल्लाह का काब हासिल करेंगे दोनों हमारी जरूरत है पहले हम अल्लाह को पहचानें फिर हम अल्लाह का कुरब हासिल करें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को तोवज के साथ सुनें और उसका तर्जुमा पढ़ें उसके मुतलब को समझें एक बात और मैं आपके गुजार कर देना चाहती हूँ कुरान की मिसाल दी जाती है समुंदर से जिस तरह समुंदर के ऊपरी सतह को देखकर कोई भी इंसान समुंदर की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है या अगर उसने कभी समुंदर में गोता लगाया एक हिस्से में वो तैरा तो वो दावा नहीं कर सकता है कि पूरे समुंदर पे तैरा इसी तरह से कुरान इतना गहरा है इतना गहरा है कि हम उसकी एक आयत पढ़ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते या उसकी तफसीर बयान के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमने कुरान का हक़ अदा कर दिया बल्कि हमसे हक़ हाँ अदा नहीं होगा जिस तरह से अल्लाह ताली ने कुरान को तेईस साल के अरसे में धीरे धीरे नाजिल किया है इसी तरह से अल्लाह ताली इसके मतालब को धीरे धीरे खोलेगा पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी लोग आएंगे गुजर जाएंगे और वक्ता फ़वकाता जैसे जैसे ज़रूरत होती रहेगी तो अल्लाह ताला इसके मतालब को खोलते रहेंगे कोई भी मुफ्स कुरान या कोई भी कुरान का बयान करने वाला ये नहीं कह सकता है कि हमने इसकी आखिरी तफसीर बयान कर दी इसकी तफसीर तो क़यामत तक के जारी रहेगी अल्लाह ताला, ताला इसके मतलब को धीरे धीरे खोलते रहेंगे और हमारा फ़र्ज ये कि हम इसको पढ़ें और समझें और इसमें ग़ौर करें यह अल्लाह ताली ने हमको हुक्म दिया है व ममबलाक बारकल्ला बारकल्लाकुम फिर हकीम व नफ़ाव्याम बिलयात वज़िककीम असलकम वर हम वर्क